wake me up when the sun goes down. Feelings right, you wake me up when the sun goes down. Sleep. Hello everyone, namaste. तो guys कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे. तो आज की जो वीडियो है ये मैंने कम्युनिटी पे अपने डाला था कि मैंने अपने बेबी के लिए कुछ चीज़ें मंगाई हैं. अगर आपको पसंद है तो आप भी मंगवा सकते हैं. तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि दीदी इस पे वीडियो बनाइए, हमें भी मंगवाना है या हमें भी मंगवाना है, हम कैसे बनाएं, सॉरी कैसे मंगवाएं. तो आज की वीडियो वही है, मैंने अपनी बेबी के लिए मंगाए हैं. तो मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या मिलता है, क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, वो सब जानना ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ मंगवाने वाले हैं तो पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो आज की वीडियो बस इसी टॉपिक पे, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जिस ब्रांड का मैंने अपनी बेबी के लिए सारा चीज़ मंगवाया है वो है ये कडल ब्रांड. कडल ब्रांड से मंगाया है ये. तो अगर आपको ये अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए मंगवाना है जो कि हो चुका है या होने वाला है तो आप मंगवा सकते हैं. उसके लिए आपको एक लिंक पे जाके मंगवाना पड़ेगा जो कि आपको सीधा फेसबुक पेज पे लेके जाएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को प्रोवाइड कर दूंगी. आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधा ये कडल ब्रांड का जो है वो ओपन हो जाएगा. सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इस ब्रांड के बारे में बताना चाहूँगी कि ये कोई भी कंपनी नहीं है, कोई भी ब्रांड नहीं है. इसका कोई भी प्रोडक्ट या इसमें से कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़ आपको आपकी बेबी के लिए मंगवाना है तो वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलने वाला है. ये आपको फेसबुक पेज के जरिए ही मिलेगा और आपको वहीं से मंगवाना पड़ेगा. तो एज अ मॉम मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको पसंद आए तो आप अपनी बेबी के लिए इसे ज़रूर मंगाएं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इस जो सबसे बेस्ट चीज़ आई है वो है ये बॉबी पिलो. आप ये बॉबी पिलो देख रहे हैं, इसे आप यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं सबसे पहले तो बात हम उस टॉपिक पे कर लेते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखता होगा आपको इसे यूज़ कैसे करना है. आप इसे फीडिंग करवाने के लिए अपनी बेबी को यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से. आप अपने बेबी को कुछ इस तरह से उस पर बिठा सकते हैं. अगर आपका बेबी अभी 6 मंथ का हुआ है, जस्ट उसे बैठना नहीं आता या कुछ उसे सहारा लेके बैठाना है तो देखिए आप इसे बहुत ही कंफर्ट तरीके से बैठा सकते हैं. इसके साथ आप अपनी बेबी को इस तरह से सुला सकते हैं, इस पर सुला सकते हैं. और इसके साथ में ये देखिए बॉबी पिलो का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं. सबसे पहले मैंने आपको ये दिखा दिया, ठीक है? आप इस चार तरीके से यूज़ कर सकते हैं. बात कर लेते हैं इस बॉबी पिलो की. इसे ओपन कर लेते हैं, क्वालिटी देख लेते हैं, मटेरियल क्या है वो देख लेते हैं. बहुत ही अच्छे से ये बैग में पैक होकर के आता है. कॉटन भरा हुआ है, जो रुई भरी हुई है वो 1 किलो से ज़्यादा है. प्लस इसकी जो क्वालिटी है वो आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ. ये देखिए एकदम प्योर कॉटन है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छी सी प्रिंट की हुई है. ये आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाएगी, बहुत सारे डिज़ाइंस में मिल जाएगी. ऐसा नहीं है कि यही कलर मिलेगा. जब मैंने ऑर्डर किया तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कलर अवेलेबल नहीं थे, कोरोना का टाइम था तो उस टाइम ज़्यादा बन नहीं रहे थे पीसेस. बट अब इस टाइम पर आपको एक से एक कलर मिल जाएगा, एक से एक डिज़ाइन मिल जाएंगी. जो कि क्या कौन कौन से कलर है वो आगे आप देख सकेंगे. मैं सारे फ़ोटोज़ डाल दूँगी जो जो कलर मिलते हैं. और अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप जब इस फेसबुक पेज पे जाएंगे जो मैं लिंक आपको दूंगी उसमें आपको सारे कलर, सारी वैरायटीज़ और क्या है सब मिल जाएगा. साथ में आपको उसमें एक नंबर भी मिल जाएगा जिस पे आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इस ब्रांड को और इस चीज़ को अपनी बेबी के लिए मंगा सकते हैं. तो बॉबी पिलो काफ़ी अच्छा है. और ये देखिए जब इसे मैं वॉश कर लूँगी इसका तब मैं आपको इसे यूज़ कैसे करना है वो बताऊँगी. अभी फ़िलहाल मैं इसे अपनी बेबी पे यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि बाहर की चीज़ें हैं, बहुत सारे जगह से होकर आती है. तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जब भी आप कोई बाहर से चीज़ मंगाए तो उसे जब तक वॉश ना करें तब तक वो अपने लिए अपनी बेबी के लिए यूज़ ना करें. तो ये देखिए बॉबी पिलो का साइज़ काफ़ी अच्छा है, मटेरियल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है. आपको इस मटेरियल से प्यार हो जाएगा, इतना अच्छा है. इसके साथ में ये कवर है जिसे आप एक्स्ट्रा कवर मंगा करके आप इसे चेंज कर सकते हैं. इस तरह का जिप आपको पीछे मिल जाएगा जिसे आप ओपन करके ये कवर को वॉश कर सकते हैं. आप इसे हैंड वॉश भी कर सकते हैं और मशीन वॉश भी कर सकते हैं. और इसके अंदर भी देखिए जो कॉटन भरा है उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा कॉटन का मटेरियल का यूज़ किया गया है. और इसके बाद में ये इसका कवर है, बहुत अच्छे अच्छे कलर में आपको ये मिल जाएगा. ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप नई माँ बनी हैं या बनने वाली हैं तो इसे आप अपनी बेबी के लिए ज़रूर मंगाइए. ये फीडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. अगर आप फर्स्ट टाइम माँ बनी हैं और अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हैं तो आप इसे ऐसे अपने कवर में अटैच करके अपनी बेबी को इस पर सुला करके आराम से दूध पिला सकते हैं. एकदम कंफर्टेबल है, आपका बेबी इस पर सोएगा, उसे भी सॉफ्ट लगेगा और आप भी बहुत कम्फर्ट होंगी. आपको पीछे टेके की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दे देता है. और आपका बेबी जब ऊपर रहेगा तो आप उसे ऐसे पकड़ के काफ़ी अच्छे से दूध पिला सकेंगी. मैं लास्ट में बताऊंगी कि मैंने जो ये पहन रखा है वो क्या है. जब आपको पता चलेगा कि मैंने ये क्या पहन रखा है ना,
आप रियली शॉक होने वाले हो। सेकेंड चीज है वो है ये प्ले मैट, तो आप इसे अपनी बेबी के लिए जरूर मंगवाइए। मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये प्ले मैट है, इसका जो क्वालिटी है सुपर सॉफ्ट क्वालिटी है, सुपर सॉफ्ट है ये। और ये देखिए, ये फिर से अपना शेप ले लेता है, अपना साइज ले लेता है। और ये वाइट कलर में मिलेगा, आप इसे कोई भी कलर में मंगाएंगे तो इसका जो बॉर्डर है वो आपको अलग कलर में मिलेगा, पर जो बीच का आपको मिलेगा पार्ट वो आपको वाइट कलर में ही मिलेगा। इसका जो रीज़न है सबसे बड़ा वो ये है, जो मैंने पूछा कि मुझे ये वाइट कलर में नहीं चाहिए था, बट ये वाइट कलर में ही अवेलेबल था। तो रीज़न ये है कि अगर हम इसे नीचे बिछा के या गद्दे पे बिछा के, बेड पे बिछा के अपने बच्चे को सुलाते हैं, तो कभी बहुत टाइम क्या होता है कि कोई चींटी, कोई कीड़े मकोड़े बिस्तर से जाते, बच्चे को काट लेते, जो कि हमें नज़र नहीं आते। ये बात काफ़ी सच है, बहुत टाइम हमारी बेबी को चींटी वगैरह काट लेती है, जो कि कलरफुल होने की वजह से, बेड शीट कलरफुल होने की वजह से या मैट कलरफुल होने की वजह से नहीं नज़र आता। बट वाइट होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर इस पर कोई भी चीज़ होगी, कोई भी गंदगी होगी, तो आपको क्लियर नज़र आएगा, आप उसे हटा सकेंगे और अच्छे से साफ कर सकेंगे। तो ये वाइट कलर में ही आपको मिलेगा, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है। और इसके साथ में मैं क्या बोल रही हूँ, आप जब मंगाएंगे तब पता चलेगा, आप वैसे देख सकते रहेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, प्योर कॉटन है, तो आपको क्वालिटी पे कोई भी शक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो भी बताऊँगी मैं आपको वो ट्रूली सच बताऊँगी। और इसका जो साइज़ है, बात यहाँ पे साइज़ की कर ले, तो ये 50x50 का है। ये देखिए, साइज़ काफ़ी अच्छा है, आपका बेबी 3 साल का होने तक या 4 साल का होने तक, 5 साल का होने तक इसे यूज़ कर सकता है। कि जब भी आप पहली बार ये चीज़ कोई भी अपनी बेबी के लिए यूज़ करें तो उसे वॉश जरूर कर लें, और अगर आप स्टार्टिंग में अगर मशीन में वॉश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बात रही ये प्ले मैट की, तो साइज़ काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी बड़ा है ये, और एकदम कम्फर्टेबल है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे बीच में वॉइस में प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये है चेंजिंग मैट। अगर आपका बेबी सुसु वगैरह कर देता है तो आप इस मैट को उस पर बिछा सकते हैं और आराम से इसे निकाल सकते हैं, सुपर सॉफ्ट क्वालिटी है, तो इसे आप ज़रूर। मुझे सेम बैग में मुझे हैंकी सेट मिला है, नैपकिन मिली है मुझे, मैं आपको दिखाती हूँ। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है सारे प्रोडक्ट की, बहुत अच्छे से पैक होकर के आया है, एकदम सेफ्टी के साथ। इसका एक पीस निकाल के फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ। जब ये आएगा तो आपको ये थोड़ा हार्ड दिखेगा, थोड़ा सा हार्ड दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे वॉश करेंगे काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हार्ड है और ये काफ़ी सॉफ्ट है। इसे मैंने अभी सिर्फ एक टाइम वॉश किया है, इसे अपनी बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। हैंडकरचीफ तो बच्चे को लगता ही, अगर हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर मंगाइएगा, काफ़ी अच्छा है ये। ये पूरा सेट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके न्यूबॉर्न बेबी को बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो चलिए इसे भी ओपन कर लेते हैं, इसकी भी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी गुड क्वालिटी की है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। लंगोटी जिसे नैपीज भी कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ आपको मिल जाता है। और ये जो है ये बड़े साइज़ के नैपीज हैं, बड़े साइज़ के नैपीज है ये, मतलब ये मीडियम साइज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मीडियम साइज़ के नैपीज है, ये स्मॉल साइज़ के नैपीज है, 3 साइज़ में आपको मिल जाते हैं। और इसके साथ में आपको बिग साइज़ भी मिलता है, ये देखिए बिग साइज़। एक्चुअली मैंने अभी इसे काउंट नहीं किया है कि ये कितने मुझे मिले हुए हैं। स्मॉल साइज़ में जो है ये आपको ऐसा नॉट मिल जाता है बांधने के लिए, जैसे कि लंगोटियाँ बाहर मिलती हैं, जैसे नैपिस बाहर मिलते हैं, ताकि आपका बच्चा कंफर्टेबल रहे। और मीडियम साइज़ में भी आपको सेम ऐसे ही नॉट मिल जाता है। और इसके साथ में यहाँ पे आपको ऐसे ये ओपन करने के लिए, साइज़ देख रहे हैं आप, काफ़ी बड़ा साइज़ है, पानी को बहुत अच्छे से ये ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो अभी मैं इसे यूज़ नहीं की, मैं इसे यूज़ करने के बाद आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या फीडबैक है, कैसा रिजल्ट है। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं इसे सब वॉश करने के बाद ही यूज़ करूँगी। अभी मैं सिर्फ इसका रिव्यू वीडियो बना रही हूँ कि प्रोडक्ट कैसा आया है मेरे पास, क्वालिटी क्या है, सिर्फ मैं वही बना रही हूँ। साइज़ देखिए आप, 1 साल तक अपने बच्चे को यूज़ कर सकते हैं। ये स्मॉल नैपी की साइज़ है, ये मीडियम और ये लार्ज, ये 3 तरह की नैपीज मिल सकती है, मिलेगी आपको 3 साइज में, ठीक है। और क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, प्योर कॉटन है, तो आप इसे ज़रूर मंगाइए। तो अब इसमें अगली चीज़ क्या आई है वो देख लेते हैं। है ब्रॉक क्लोथ, काफ़ी अच्छा है ये, आप अपने शोल्डर पर, जब आप अपने बेबी को फीडिंग करवाए उसके बाद ये आप अपने शोल्डर पर रखिए और बेबी को डेकाल दिलवाइए। इससे अगर बेबी कुछ दूध वगैरह कुछ उलटता है, कुछ उल्टी वगैरह करती है,
तो वो इस पर रहेगा जिससे आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके भी कपड़े की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, एकदम सॉफ्ट मटेरियल है। और ये आजकल ज़रूरत पड़ता ही है, क्योंकि पहले हम साड़ी पे ही डेकार दिला देते थे या अलग से कपड़ा लेते थे तो वो ख़राब होता था। पर अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो ये छोटा भी है, वॉश करने में भी अच्छा रहेगा और क्वालिटी तो अच्छी है ही, क्वालिटी पे कोई शक नहीं है। इसके साथ में आपको मिल जाता है ये बिप्स। तो बिप्स जब आप अपने बेबी को कुछ भी खिलाएं, कुछ भी पिलाएं, तो जैसे अगर आप बाहर का फीडिंग करवा रहे हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये इस तरह से स्टिक होता है, इसे आप ओपन कर लीजिए और अपने बच्चे के गले पे आप ऐसे लगा सकते हैं काफ़ी अच्छे से। इससे बच्चा जब कुछ खाएगा पिएगा तो गिरेगा नहीं। वैसे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे भी लगाने पे तो चलिए मजाक बंद करते हैं। और ये काफ़ी आप अपने बच्चे को लगाएंगे तो वो कुछ भी खाएगा पिएगा तो वो नीचे नहीं गिरेगा, उसके कपड़े ख़राब नहीं होंगे, उसके क्लोथ्स ख़राब नहीं होंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ये भी आपको यहाँ पे, ये भी आपको टू पीसेस मिल जाते हैं। यहाँ पे टू पीसेस आपको ब्रक मिल जाएगा और टू पीसेस आपको बिप्स मिल जाएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं न्यू मॉम्स के लिए। अगर आप 6 महीने से छोटे बच्चे की माँ हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और अगर आप माँ बनने वाली हैं तब तो इसको आप ज़रूर मंगवाइए। तो ये जो है ये सारे कॉटन ब्लैंकेट्स हैं, काफ़ी कॉटन के, काफ़ी अच्छे मटेरियल के हैं, एकदम सॉफ्ट हैं। आप इसमें अपनी बेबी को फोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी जब होता है तो लाइक 2 से 3 महीने तक के बेबी को या 2 महीने तक के बेबी को हम कपड़े में फ़ोल्ड करते हैं। मेरा बाबू तो काफ़ी बड़ा हो गया, मैं नहीं दिखा पाऊँगी। तो ये फोल्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, प्लस बच्चे को कहीं लेके जाना है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। बच्चे आपका सो रहा है, गर्मी का टाइम है, आपको उसे कुछ भी चीज़ ब्लैंकेट वगैरह उड़ाना है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो ये भी आपको टू पीसेस में यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको इसके टू पीसेस मिलेंगे ब्लैंकेट्स के। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसकी साइज़ भी काफ़ी अच्छी है। तो इसके ही साथ में आपको मिल जाता है ये कैप वाला ब्लैंकेट, जो कि हम अपने बेबी को कहीं भी ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। आप मैं टेडी पे आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। आप अपने बेबी को ऐसे आप अंदर डाल लीजिए, आप फोल्ड कर लीजिए और लेके जाइए कहीं भी। तो ये 0 to 6 months तक के बेबी को ही यूज़ आने वाला है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो 0 to 6 months के बेबी के लिए ही बनाया गया है। और इसका भी मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए इतना बड़ा है, ये को इस तरह से पहनाइए और बस लेके जाइए जहाँ भी आपको लेके जाना है। छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा काम आता है, आप उसे रैप करने के लिए, फोल्ड करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके ही साथ में आपको 2 बड़े ब्लैंकेट मिल जाते हैं, 2 बड़े साइज़ के, काफ़ी अच्छे हैं ये भी। इसमें भी डार्क पिंक कलर का बॉर्डर दिया है बेबी पिंक में, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, ये 2 पीस मिल जाते हैं। तो ये दोनों साइज़ अलग हैं, एक आपके छोटे बेबी के लिए काम आ जाएगा और एक आपके बड़े बेबी के लिए। मतलब अगर आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो आपको उसको अलग से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी चीज़ें आपको मिली है वो आपके बेबी के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये है छोटी साइज़, और ये जो बड़ी साइज़ है, आप 1.5 साल तक का अगर आपका बच्चा है या 2 साल तक का, तो आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो है ये मुझे आए हैं जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा और आप लोग इसे ज़रूर मंगवाएंगे। तो इसे रखते हैं साइड में और बात करते हैं कि मैंने क्या पहन रखा है। तो ये जो मैंने पहन रखा है, ये ना स्कार्फ है, ना कोई मेरा टॉप है और ना ही मेरी कोई साड़ी है। आप इसका सबसे पहले साइज़ देखिए, इतना बड़ा है ये, इसलिए मैंने इसे ऐसे फोल्ड करके अपने ऊपर डाला था। ठीक है, मैंने इसे ऐसे पहना है। इसके नीचे मैंने बहुत अच्छे से टॉप पहन रखा है, डोंट वरी। और ये देखिए कैसा लग रहा है ये पता है आपको क्या है, यूज़ कर सकते हैं अपनी बेबी को फिट करवाने टाइम। लाइक कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इसे वेयर कैसे करना है, तो इसे मैंने निकाल लिया तो अभी तक आप सोचेंगे कि कितना अच्छा लग रहा था ना। तो ये देखिए इसका साइज़ काफ़ी बड़ा साइज़ है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है। इसे आप, ये बोट नेक में बना है तो आप इसे बस ऐसे वेयर कर लीजिए। बस आपने इसे पहन लिया, इसके बाद में आपको क्या करना है, अच्छे से इसे पहन लीजिए। आप अपने बेबी को डायरेक्टली भी इसके अंदर रख के फीड करवा सकते हैं, जैसे कि सोचिए बेबी है और मैंने इसे अंदर रखा और मैं इसे आसानी से फीड करवा सकती हूँ। इसके बाद ये आपके थाइस तक कवर होता है, ऐसा नहीं है कि बैक से आपका कुछ दिख रहा है या कुछ, बहुत कंफर्टेबल बनाया गया है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं आप इसे इजीली लेके जा सकते हैं, आप इसे अपने बैग में भी रख सकते हैं, इतना अच्छा मटेरियल है इसका।
और इसके साथ में आप अपने बेबी को आराम से फिट करवा सकते हैं। आप इसे साड़ी पे पहन सकते हैं, टॉप्स पे पहन सकते हैं, ड्रेसेस पे पहन सकते हैं, जिस जो भी क्लोथ्स आपने वेयर किया हो आप उसे उस पर इसे आसानी से पहन सकते हैं, अपनी बेबी को अच्छी तरह से फीड करवा सकते हैं। ट्रेवल पे जाते हैं उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर चाहे हम साड़ी पहने चाहे हम ड्रेस पहने, उठा के बच्चे को दूध पिलाना थोड़ा ऑड लगता है। तो आप अगर ये प्रोडक्ट मंगाते हैं तो आपको इसमें ये जो पोंचो मिलता है ये आप कहीं भी इजिली लेके जा सकते हैं। साइज़ का आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी पे कोई शक नहीं है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, तो आप किसके सामने भी बैठ के फीड करवा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो ये पोंचो है ये मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज की वीडियो में इसे पहन के रखूँ। पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। कुछ भी दिखने वाला नहीं है आर पार, आपको मैं नज़र ही नहीं आऊँगी, कुछ भी आर पार नहीं दिखेगा। और मैं इसे यूज़ कर रही थी एक टॉप की तरह आज की वीडियो में, ताकि आपको जब सरप्राइज़ दिखे तो आप इसे मंगाने के लिए उतावले हो जाएँ। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद इसका क्या रिजल्ट है इस पर भी मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी। बॉबी पिलो को कैसे कैसे अपनी बेबी के लिए यूज़ करना है वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। इसके साथ मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जो कि आपको अच्छे से ध्यान देना है, नोटिस करना है। आप अगर इसके लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, मतलब आपको पहले प्रोडक्ट आने के पहले आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद इसके साथ आपको प्लस शिपिंग चार्जेस देनी है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 6,200 रुपीस है जो मैंने मंगाया है। अगर आप कोई और चीज़ एडिशनल इसमें ऐड करते हैं तो आपको 6,700 रुपीस देना पड़ेगा प्लस शिपिंग चार्जेस। और अगर आप चाहे तो बॉबी पिलो पे या मैट पे अगर आप अपने बच्चे का नाम लिखवाना चाहें, एम्ब्रॉयडरी करवाना चाहें, तो आप वो भी करवा सकते हैं, उसके लिए भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। बात है वो ये है कि इसमें 13 पीसेस आते हैं, ये 13 पीसेस का सेट है जिसमें से आपको 8 के लिए ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा तो ही ये आपके पास आ पाएगा। और अगर आपके पास ये प्रोडक्ट आता है, इसमें किसी तरह का आपको डिफेक्ट लगता है, किसी तरह की प्रॉब्लम लगती है, मटेरियल में आपको प्रॉब्लम लग रहा है या आपके पास जो पीस आए कुछ डिफेक्ट, तो कुछ कभी अगर प्रॉब्लम आपको लगे तो आप इसे आप जिससे आपने मंगाया है जो नंबर से आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फिर जो भी कम्फर्ट होगा वो सामने से आपसे बात करके उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं या जैसा उनको होगा वो आपको कर सकते हैं। मतलब अगर ऑलराउंड अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अच्छे से मतलब वो चीज़ रिप्लेस करके मिल जाएगी या जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप मंगाना चाहे तो मंगा सकते हैं, पर जो भी मुझे मंगाया वो मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मैं मिलूंगी अब आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए और प्लीज़ यार लाइक कर दिया करिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। दो बच्चों के साथ जॉइंट फैमिली के साथ रहकर वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करिए। तो चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।